गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5, हाउ द नाइट वाज क्रिएटेड। रात कैसे बनाई गई। आज हम जो है कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, हाउ द नाइट वाज क्रिएटेड, रात कैसे बनाई गई। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले, व्हेन द अर्थ वाज वेरी यंग, पृथ्वी बहुत यंग छोटी थी। द नाइट एंड द एनिमल्स डिड नॉट एग्जिस्ट, ना तब तो रात थी और ना ही एनिमल्स थे। देयर वर ओनली ट्रीज, उस समय जो है ओनली ट्रीज, पेड़ प्लांट्स पौधे एंड पीपल, लोग थे। उस समय क्या था, सिर्फ पेड़ पौधे और लोग थे। द सन ऑलवेज सन ब्राइटली, जो सूरज की रोशनी थी वो क्या थी, बहुत तेज थी। द पीपल वर ऑलवेज वेरी टायर्ड, लोग क्या थे, बहुत थके हुए थे। बिकॉज दे डिड नॉट स्लीप वेल, वो क्या थे, थके रहते थे क्योंकि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती थी। द थ्री विथर्ड बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर, उस टाइम जो क्या था, जो वेदर था बहुत गर्म था और पेट जो है मुरझा गए थे। इन दोज डेज, उन दिनों, अ विच लिव्ड अंडर द ट्री, विच जो है, विच क्या है, चुड़ैल जो है लिव्ड अंडर द सी, वो क्या है, चुड़ैल जो है समुद्र के अंदर रहती थी। शी वॉज वेरी क्रूअल, वे क्या थी, बहुत क्रूर थी। क्रूर मतलब कि बहुत चलाक थी, मतलब वो लोग खुश नहीं देखना चाहती थी। शी हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी, बट अनलाइक हर मदर, वो क्या थी, अपनी मदर के बिल्कुल अपोजिट थी। जैसे वो चलाक थी, लेकिन उसकी बेटी क्या थी, उनके अपोजिट थी। द डॉटर वॉज काइंड एंड जेंटल, उसकी बेटी दयालु, काइंड दयालु एंड जेंटल कोमल थी। शी लव्ड प्लांट्स एंड पीपल, वो क्या है, प्लांट्स पौधों से और लोगों से बहुत प्यार करती थी। एंड वांटेड टू सी देम हैप्पी, वो उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। द विच एज वेल एज हर डॉटर डिड नॉट हैव टू टेक रेस्ट, उस विच और उसकी डॉटर, उसको कभी, उसकी डॉटर को कभी आराम की जरूरत नहीं पड़ी। एल्थो शी कुड मेक द नाइट अपियर, हालांकि वह रात को प्रकट कर सकती थी। बट शी लव टू सी द पीपल टायर्ड, बस बट उसे क्या था, लोगों को थके हुए देखना एंड स्लीपी, कि वो आराम ना कर पाए, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। सो शी केप्ट द नाइट इम्प्रिजन्ड इनसाइड अ कोकोनट ट्री, तो उसने क्या करा हुआ था कि रात को जो है कोकोनट ट्री के अंदर जो है कैद कर रखा था। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, द विच ब्यूटीफुल डॉटर, जो उसकी ब्यूटीफुल डॉटर थी, गोट मैरिड टू अ मैन, उसकी शादी जो है एक मैन के साथ हो गई। व्हेन शी फाउंड डेट हर हस्बैंड एंड द अदर पीपल, उसका हस्बैंड एंड वहाँ के जो लोग थे, ऑफ द विलेज वर ऑलवेज टायर्ड, वो क्या थे, हमेशा थके थके रहते थे। शी बिकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई। शी डिडंट लाइक टू सी देम सफर, वो लोगों को परेशान नहीं देख सकती थी। सो शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट हर मदर टू गिव हर द नाइट, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी मदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों को जो है गिव हर द नाइट, कि उनको रात दे दे। हर हस्बैंड हैड थ्री फेथफुल सर्वेंट, जो उसका हस्बैंड थे, तीन उसके जो है वफादार नौकर थे। शी सेंट देम टू टेक द नाइट, उसने अपने तीनों सर्वेंट को भेजा अपनी माँ से रात लाने के लिए। एल्थो दे वर वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे। दे रोड ऑफ क्विकली टू ब्रिंग द नाइट, फिर भी वो क्या है, उस क्विकली जल्दी से वहाँ पर रात लेने के लिए गए। द थ्री सर्वेंट्स अराइव्ड एट द प्लेस वेयर द विच लिव, वो उस जगह पे गए जहाँ पर विच रहती थी। व्हेन दे टोल्ड हर द पर्पस ऑफ द देयर विजिट, When they told her, जब उन्होंने अपने the purpose आने की वजह बताई of their visit, she did not like the idea, उसी जो है उनका idea पसंद नहीं आया। But giving them the night, उनको रात देने का। But she loved her daughter, but क्या थी, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। Very much and therefore she could not refuse her daughter request, वो अपनी बेटी की request को नहीं ठुकरा पाई। She gave them the coconut tree, उसने उनको coconut tree दे दिया। With the night inside the told that only her daughter should open it, उसने उनको कहा कि इसको जो है coconut tree को सिर्फ मेरी बेटी ही खोले। If another person opened the coconut, उसने बोला अगर कोई और इंसान
कोकोनट ट्री, तो अगर कोई और इंसान इस कोकोनट ट्री को खोलेगा, द डार्कनेस वुल कवर द अर्थ फॉर एवर, तो क्या है, पूरी पृथ्वी पर जो है अंधेरा छा जाएगा। शी वार्न देम, उसने उनको वार्निंग दी। द सर्वेंट एग्री, वो उससे क्या है एग्री हो गए, एंड लेफ्ट विद द कोकोनट ट्री, और वो वहां से चले गए कोकोनट ट्री को लेकर। बच्चों मैंने आज आपको यहाँ तक रीडिंग कराई है, सभी बच्चे जो है इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है कि सारे बच्चे जो है पेज नंबर 29 को अच्छी तरह से रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।